और 44 में कह रहा है बिजनेस एट द फॉलोइंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, और वो कहता है हमने बैंक से लोन लिया है, क्यों गाड़ी खरीदी, व्हाट वाज द ओनर्स कैपिटल आफ्टर द ट्रांजैक्शन। ओनर्स कैपिटल अगेन कैसे आता है, एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। तो एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा भाई, एक तो प्रेमिसेस आ जाएगा, बिल्डिंग होती है, एक इन्वेंट्री आ जाएगा और एक ट्रेड रिसीवेबल आ जाएगा, तीनों को ऐड कर लें। और अगर आप ये वाले ट्रांजेक्शन भी लेना चाह रहे हैं तो ये गाड़ी को भी ऐड कर लें, क्योंकि गाड़ी खरीदी है वो भी एसेट, इन सबको ऐड कर लें। अब बारी है लाइबिलिटीज़ की, बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी माइनस कर दें, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी इसको भी माइनस कर दें, और ये जो बैंक लोन है अब इसको दोबारा माइनस भी करें। यार देखो 2000 मोटर व्हीकल में भी आया था एसेट में भी, और 2000 लोन है तो वो लाइबिलिटी में भी आएगा, तो एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दें, क्या आ जाएगा कैपिटल में। टोटल कर रहा हूँ 15, 6 और 3 और 2, तो टोटल एसेट है 26 और लाइबिलिटीज़ कितनी है हमारे पास, ये है 7000, तो 19000 फाइनल आंसर आ रहा है, 19000 एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल टू कैपिटल। अगर आप ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन नहीं भी लेते तो भी आंसर सेम आता, क्यों, क्योंकि इस लास्ट ट्रांजेक्शन से हमारा कैपिटल चेंज नहीं हुआ। लास्ट ट्रांजेक्शन अगर आप देखें क्या हुआ है, मोटर व्हीकल डेबिट और लोन क्रेडिट, मोटर व्हीकल से एसेट भी बढ़ गया 2000 से और लोन से लाइबिलिटी भी बढ़ गई, तो ये अगर ये ट्रांजेक्शन ना भी लेते तो